इसमें हम कवर करेंगे टोटल 3 कंट्रीज, ईरान के बाद फिर हम तुर्की इंटर होंगे। भाई मेरा हेडफोन ले गया था इससे मैंने वापस ले लिया, टिकट ले लिया, ये निकलेगी कल शाम को 7 बजे और पहुंचेगी क्वेटा। दोस्तों क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में हूँ। इस वक्त मैं हूँ फैसल मुअर इस्लामाबाद के बस अड्डे पे और ये जो मेरा सफ़र है तुर्की का ये यहाँ स्टार्ट हो रहा है और आज इसका पहला दिन है। तो शाम को यहाँ से हमारी कोच निकलेगी क्वेटा के लिए। सबसे पहले मुझे पहुँचना होगा बलूचिस्तान और फिर उसके बाद फिर आगे का जो रूट होगा वो आपको इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में मिलेगी। इंशाल्लाह इसमें हम 3 मुल्क आपको दिखाएँगे, पाकिस्तान और ईरान और प्लस तुर्की। बाय रोड का सफ़र ईरान का मेरा स्टार्ट होने जा रहा है आज से। आप ये सीरीज़ काफ़ी इंजॉय करेंगे, आपको मज़ा आएगा। तो इंशाल्लाह मेरे साथ रहें और आने वाली तमाम वीडियोस आपने देखनी। तो इस वक्त मैं आया हूँ फैसल मुअर में क्वेटा की टिकट ले रहा हूँ, अभी पूछते हैं भाई से। तो टाइमिंग क्या है, कितने बजे जाती है? शाम 7 बजे और वहाँ पहुँची 12 घंटे। नहीं नहीं सुबह 12 घंटे, सुबह 7 बजे। चलो ठीक है, अच्छी टिकट। ये टिकट ले लिया है, ये निकलेगी कल शाम को 7 बजे और पहुँचेगी क्वेटा स्लीपर बस। अब देखते हैं कल आएंगे तो फिर देखेंगे इसका कैसा है। इस्लामाबाद टर्मिनल से, इस्लामाबाद मोटरवे के पास टर्मिनल है यहाँ से। फैसल मूवर्स वहाँ से मैंने टिकट बुक कराई है तो वहाँ से मैं लूँगा अपनी टिकट। 7 बजे आज हमारी जो गाड़ी है वो निकलेगी यहाँ इस्लामाबाद से, वो फिर पहुँचेगी क्वेटा। तो ये सारा सफ़र कौन सी बस होगी, कैसे जाएंगे, ये सारा सफ़र आपने मेरे साथ रहना है, वीडियो को एंड तक देखना है। तो इंशाल्लाह ये सीरीज़ आप सारी इंजॉय करेंगे, काफ़ी ज़बरदस्त सीरीज़ है। बाय रोड हम ट्रेवल कर रहे हैं तुर्की तक, इस्लामाबाद से इस्तंबुल का बाय रोड ट्रेवल होगा तो आपको इंजॉय करेंगे सारा। अस्सलाम वालेकुम यार, ये जो क्वेटा की बस है ये किस प्लेटफॉर्म पे आएगी? अच्छा अनाउंसमेंट कर, चलो 7 बजे है ना क्वेटा। चलो थैंक यू। तो 7 बजे आएगी तो ये प्लेटफॉर्म पे ही अनाउंस करेंगे ये जितने भी। तो अभी फ़िलहाल हम वेटिंग में वेट करते हैं, जब बस आएगी फिर जाएंगे। वो कह रहे हम अनाउंस करेंगे जब आएगी, जब बस आएगी अनाउंस करेंगे। मेरी जो बस है वो है 7 बजे और अल्लाह दत्ता की बस है कितने बजे? 9 बजे। अल्लाह दत्ता जा रहा है मेरे साथ ईरान तुर्की नहीं, ये जा रहा है वापस अपने गांव बावलपुर। तो मेरा 2 मंथ्स का जो ट्रिप होगा वो मैं अकेला सोलो करूँगा, इस वजह से मुझे 2 मंथ्स लगेंगे। तो तब तक ये बावलपुर में रहेगा और जब मैं वापस आऊँगा फिर इसको बुला लूँगा। देखते हैं इसको बुलाएं या ना बुलाएं, आप बताइएगा नीचे कमेंट्स में कि इसको बुलाना चाहिए दोबारा या नहीं। बिल्कुल बुलाना चाहिए। तो तुम बता रहे हो या मेरे व्यूअर्स बताएंगे? जैसे बस आएगी तो फिर रवानगी करेंगे, ये देखेंगे। दोस्तों तो ये सामने हमारी बस आ रही है क्वेटा की, तो इस बस में हम जाएंगे।
इसको भी रख दो, ये ऊपर कुछ ना रखना है, इसको टूट जाएगा। हमारी बस आ चुकी है, अंदर से आपको दिखाता हूँ ये किस तरह की है बस। काफ़ी अच्छी लग रही है बाहर से, तो अब अंदर भी देखते हैं अंदर क्या पोजीशन है। ये है बस, अभी देखते हैं। तो पहली बस है जिसमें जूते उतार रहे हैं, तो ये स्लीपर है इसमें जूते उतारने का। भाई मेरा हेडफोन ले गया था इससे मैंने वापस ले लिए। मेरा हेडफोन ले गया था मेरी सीट से, मैं इसको देख रहा था, मैंने इससे पकड़ लिया, दोबारा अपना हेडफोन ले आया, सीट पे बैठ गया हूँ। 12 नंबर सीट है ये, सामने टीवी भी लगी हुई है और ये स्लीपर है। इस तरह आप लेट के सफ़र करेंगे। तो ये यहाँ से बाहर का व्यू है, थोड़ी सी तंग है सीट क्योंकि इसमें ये मेरा बैग है, ये प्रॉपर नहीं आ रहा है। तो देखते हैं कि आगे का सफ़र कैसा गुजरता है। ये अंदर से ये बस है, अभी थोड़ी देर में अब इंशाल्लाह हम रवाना होंगे क्वेटा के लिए। दोस्तों तो बस अभी चल पड़ी है और हमारा सफ़र स्टार्ट हो रहा है इस्लामाबाद से। तो दुआओं में याद रखिएगा और लाजमी यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना है। तो ये देखें बस, ये हम फैसल मूवर्स का जो अड्डा है, यहाँ से हमारी बस अब चल पड़ी है। मैं आपको बता दूँ इस बस की जो टिकट है वो मैंने ली है 5000 की, 5000 में, और ये स्लीपर बस कहते हैं इसको। इसमें कंप्लीट आप लेट के सफ़र करते हैं, अगर बैठना चाहें तो आप इस तरह बैठ सकते हैं। बाकी आगे भी आपको दिखाएंगे इसके बारे में मज़ीद, सामने स्क्रीन लगी हुई है और बाहर इस तरह सारे केबिन बने हुए हैं लोग। तो इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं डेरा इस्माइल खान में और ये ब्रेक है, अभी यहाँ पे खाना वगैरह खा रहे हैं और यहाँ पे एक घंटे का स्टॉप है, यहाँ पे खाना खा के फिर उसके बाद आ भी जाए। नहीं नहीं 50 नहीं, अभी जो दिया कितना है देखो, 50 है। जितनी भी कोचेस 7 बजे निकली थी इस्लामाबाद से, वो आके इस पॉइंट पे रुकती हैं, ये है बलूचिस्तान होटल डेरा इस्माइल खान में। तो इनका यहाँ पे एक घंटे का स्टॉप होता है जिसमें खाना, चाय
और आप उसके अलावा रेस्ट भी कर सकते हैं एक घंटे के लिए। तो मैंने भी खाना खाया, चाय पी और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हमारा अगला सफ़र स्टार्ट हो गया। यहाँ से आगे अब जॉब आएगा 4 घंटे के बाद, और फिर उस जॉब से आगे फिर कोयटा आएगा। तो टोटल 12 घंटे का ये रूट होता है। इस रूट पर अगर आप जाएँगे तो आपको कम अज़ कम 12 घंटे लगते हैं। कोयटा शहर है और कोयटा चौक पे मैं उतर गया हूँ। अब यहाँ से जाऊँगा अपने घर। सामने कोयटा एयरपोर्ट को रास्ता जाता है और ये लेडी होप का डमी है जो एयरपोर्ट के पास बनाया गया। तो अब यहाँ से मैं जाऊँगा घर। तो इस ब्लॉग का मैं करता हूँ एंड। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, आपने इन्जॉय किया होगा। तो इसी तरह आप मेरे साथ रहिएगा। तो आज नेक्स्ट ब्लॉग आप देखिएगा, तो कोयटा शहर में आपको फिर ब्लॉग दिखाते हैं।